दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Vivo X30 और X30 Pro के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये दोनों ही फोन 5G सपोर्ट के साथ आने वाला है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि पहला ऐसा मिड रेंज फोन होगा Vivo की तरफ से जिसमें आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो फोन है अभी चाइना में लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्दी शायद आपको इंडिया में भी मिल जाएगा, शायद किसी और नेम से। तो इन दोनों फोन का जो स्पेक्स है आपको लगभग सेम मिलेगा और एक दो चीज में आपको शायद डिफरेंस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर Vivo X30 और X30 Pro के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक पंच होल मिल जाएगा और ये जो फोन है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। और इन दोनों फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको सैमसंग एक्सिनोस 980 का चिपसेट मिलेगा। जी हाँ, एक्सिनोस 980 का चिपसेट आपको इन दोनों ही फोन में मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला फोन होने वाला है Vivo की तरफ से जो सैमसंग एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज किया है और ऊपर से 980 का चिपसेट। तो ये जो फोन है इसमें आपको 5G मॉडेम इंटीग्रेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस फोन में आपको 5G मॉडेम इंटरनली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इस फोन के रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और दूसरा वेरिएंट आपको 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज वेरिएंट जो है इन दोनों फोन्स में आपको सेम मिल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे इन दोनों फोन्स के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4350 mAh का बैटरी मिलता है, साथ में 33W का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर और कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा, USB टाइप सी पोर्ट मिलता है और साथ में NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा इन दोनों ही फोन्स में। और अब हम बात करेंगे इन दोनों फोन्स के कैमरे के बारे में। तो Vivo X30 में आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और Vivo X30 Pro में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। बस यही एक डिफरेंस है जो आपको इन दोनों फोन्स में मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों फोन्स के कैमरे की बात करें तो Vivo X30 में आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 64 MP का, सेकंड कैमरा मिलता है आपको 8 MP का और ये एक वाइड एंगल लेंस है और थर्ड कैमरा आपको मिलता है 32 MP का डेप्थ सेंसर। और यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है पंच होल के साथ। और यहाँ Vivo X30 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 MP का प्राइमरी लेंस मिलता है, सेकंड कैमरा आपको 8 MP का वाइड एंगल लेंस मिलता है और थर्ड में आपको 32 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है और फोर्थ में आपको 13 MP का 5x पेरिस्कोप लेंस मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है जिसमें आप 60x तक डिजिटल जूम कर पाएंगे। और ये जो लेंस है इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से कैमरे में बहुत ही अच्छा स्पेक्स आपको Vivo X30 Pro में मिल जाता है। और यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है पंच होल के साथ। और इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग की बात करें तो Vivo X30 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, ये चाइना में आपको मिलता है 3,298 yuan में और इससे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये होता है 33,400 rupees। तो जहां तक हमें लगता है कि अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च करता है तो शायद आपको ये फोन 35,000 के आसपास देखने को मिल सकता है इंडिया में। और इसका जो सेकंड मॉडल है Vivo X30 Pro जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, ये आपको चाइना में मिलता है 3,998 yuan में और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये होता है 40,400 rupees। तो हमें ऐसा लगता है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही फोन 5G को सपोर्ट करता है तो शायद आपको 4G मॉडल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं ये इंडिया में लॉन्च करता है कि नहीं, आपको आगे चल के मैं जरूर अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च करेगा कि नहीं, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा आप ये भी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।